जय श्री गणेशा। सबसे पहले सारे दोस्तों को मेरे शुभ स्टॉक की तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो भी हम हर पॉइंट में हर वीडियो में आपको पॉइंट्स बताते हैं उसका आप एडवांटेज ले सकें। आइए बात करते हैं हमारा कल का व्यू, यानी कि ट्यूजडे का व्यू क्या था एंड मार्केट में हमें कैसे रिएक्शन मिले। मार्केट में हमने क्लियर कट कहा था कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट, मतलब जो इन्होंने यहाँ पे बहुत समय बिताया हुआ है, यहाँ से मार्केट एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी के साथ हमें उतरना चाहिए। ठीक है, अब मार्केट में हमने कल एक कॉल दिया बैंक निफ्टी में, मैं वो भी हमारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा एंड उसके बाद हमें आउटकम कैसे मिले वो भी बताऊँगा। मार्केट में क्या हुआ, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में लूँ, ऑलमोस्ट अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लूँ, तो मार्केट बराबर यहाँ पे, थोड़ा इस समय जूम कर लेता हूँ, 1 मिनट जी, हाँ, यहाँ पे मार्केट बराबर एक रेड कैंडल फॉर्म होते हुए हमें दिखा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे वो वापस गैप फिल करने आ रहा है, ऐसे यहाँ पे इन्होंने हमें मोमेंटम दिया एंड यही चीज़ थी जहाँ पे हम ट्रैप हुए, जहाँ पे हमने बैंक निफ्टी के लिए पुट का ऑप्शन सजेस्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किए, इसको अगर मैं 1 मिनट ये ड्राइंग रिमूव करता हूँ एंड थोड़ा इसको जूम करता हूँ, फिर इन्होंने ये यहाँ पे इसको ब्रेक किया एंड वन साइड सिर्फ लैडर जैसा ही मार्केट चलता रहा, कहीं पे भी बैठने वापस बैठने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि कोई हम पैटर्न के साथ इसमें वापस बैठ सके। अब इसका रिजल्ट क्या रहा कि मार्केट में भले हमने स्टॉप लॉस लिया और स्टॉप लॉस भी हमारा लिमिटेड रहता है, तो इस वजह से कैपिटल हमारा ऐसे नहीं हुआ कि पूरा का पूरा कैपिटल रिस्क हो गया, छोटा कैपिटल छोटा रिस्क हमने मार्केट में दिया। लेकिन इररिस्पेक्टिव जो भी लोग अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया होगा या फिर दिन भर पुट में ही बैठे रहेंगे, उन डेफिनेटली उनको बहुत बड़ा कैपिटल का नुकसान हुआ होगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इस वजह से जो भी मैं आपको लेवल्स बताता हूँ अपने पेड ग्रुप में भी, आपको बहुत एकदम सोच समझ के दी जाती है। ठीक है, दूसरा ये यहाँ पे जो हम चार्ट देख रहे हैं ये निफ्टी का है, साथ में बैंक निफ्टी में भी कुछ अलग नहीं हुआ, वैसे ही मोमेंटम मिला, दोनों जगह पे एक साथ ही हमें ब्रेकआउट मिला था, यानी कि एक सेकेंड जी, ये यहाँ पे दोनों जगह पे मार्केट ने एक साथ ब्रेकआउट दिया एंड एक साथ लैडर जैसे मार्केट ऊपर चलता रहा। अब इसका एडवांटेज क्या रहा, इसका एडवांटेज ये रहा कि एक जो जिन्होंने भी अपनी पोजीशन पोजिशनल बेसिस पे लेके रखी है उनका कैपिटल काफ़ी अच्छे से ग्रो किया, दूसरा जो भी हमने लेवल थी जिन्होंने भी स्टॉप लॉस मेंटेन किया उनका कैपिटल सिर्फ रिस्की मतलब नॉमिनल एक अमाउंट मार्केट में गई, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं रहा कि उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा लॉस सफ़र किया। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ जॉइनिंग शुभ स्टॉक्स। आइए बात करते हैं हमारा कल का व्यू क्या रहेगा, मैं इसके पहले ये सारे ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ जी, और इसको हम 1 आवर टाइम फ्रेम में ले लेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो कुछ टर्मिनल्स, एक सेकेंड, यहाँ पे अब एक ये W पैटर्न की जैसे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है हमें। अब इसमें हम स्टॉप लॉस और टारगेट क्या लेना चाहिए, कल की हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगी वो डिस्कस कर लेते हैं। सपोर्ट के लिए जहाँ से मार्केट ये जो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट बार बार बहुत देर सस्टेन की हुई है, ये हमारा कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा, दैट इज 17,500 या फिर आप एक साइकोलॉजिकल लेवल 17,500 के पास यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इसका हाई के पास रहेगा, यानी कि 18,000 के पास। मार्केट कल एक्सपायरी है, कहीं पे भी अगर जाती है तो हमें वापस से बाय ऑन डिप की ही अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, कंटिन्यूसली हमारा वही व्यू रहना चाहिए। सेकेंडरी बैंक निफ्टी के लिए भी बहुत छोटा लेवल हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, अगर आप देख रहे होगे तो जहाँ पे मार्केट ने बहुत देर तक समय बिता हुआ है, ये कल के लिए हमारा सपोर्ट का काम करेगा, 38,860 एंड ऊपर में रहेगा 40,000। रेंज थोड़ी बड़ी है लेकिन क्योंकि मार्केट जैसे वन साइड लैडर के जैसे जा रहा है एंड अगर हम इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो वापस इसमें भी हमें W पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो सेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक अप मूव कंटिन्यू कर सकता है। अब दूसरी बात, अगर मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस को अगर यहाँ पे ये इसको ब्रेक नहीं करता है तो वापस से हम कुछ डाउन साइड में देख सकते हैं, लेकिन हमें बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी के साथ कल में उतरना चाहिए। एक्सपायरी के लिए कैपिटल आप नॉमिनल ट्रेड करके चलो, अगर आपका कैपिटल जो भी है 1 लाख करीब है तो 30% रिस्क के साथ ही अपने कैपिटल को यूज़ करिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, साथ साथ में अगर आपकी कोई भी पोजीशन होल्डिंग में है जिसके बारे में आपको व्यू जानना है वो भी आप मुझे पूछ सकते हो, एंड जिनको हमारी कल की एक्सपायरी के लिए हमारे पेड ग्रुप के लिए ज्वाइन होना है वो एक नॉमिनल फी दैट इज़ 500 रुपीज़ पे करके कल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सो होपफुली दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मार्केट में कैपिटल कितना यूज़ करना चाहिए, कितना कैपिटल रिस्क देना चाहिए, उसके लिए आपके पास शुभ स्टॉक इज द आंसर। सो होपफुली
आप इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे एंड अपने कैपिटल को इसी उस तरह से इस्तेमाल करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग एंड वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू।